मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दोस्तों, किस्सा कहानी की एक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया है कि नकल आपकी ज़िंदगी में कितनी माने रखती है। हम जब तक किसी चीज़ की नकल नहीं करेंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। बच्चा भी अपने घर में अपने घर वालों को देखकर ही सीखता है नकल। तो चर्चा इस चीज़ का हो रहा है, कॉपी करना किसी चीज़ को, नकल करना। किस्सा कहानी में एक किस्सा और लेके आया हूँ मैं, वो है इंडियन फिल्म डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर राहुल देव बर्मन, आरडी बर्मन, जिनको प्यार से हम पंचम कह के बुलाते हैं। पंचम पंचम कहें तो एक हारमोनियम में पांचवें सुर को कहते हैं, पा को पंचम। ये इनका नाम कैसे पड़ा? एक दिन इनके इनके वालिद, इनके फादर एस डी बर्मन साहब, जिनको हम बर्मन दादा कह के बुलाते हैं, बर्मन दादा हारमोनियम पकड़कर और कुछ कुछ बजा रहे थे, कुछ बना रहे थे, कि अचानक से पंचम आर डी बर्मन रोते हैं। और वह जैसे रोते हैं तो जिस सुर में एस डी बर्मन ने, बर्मन दादा ने जो सुर पकड़ा होता है, उसी सुर में उनका बेटा रो रहा होता है, आटे बर्मन। वहां से इनका नाम पड़ गया, अरे ये तो पा के सुर में रो रहा है, आज से तेरा नाम पंचम है। तो वहां से हमारे राहुल देव बर्मन जो है, उनको एक पंचम का नाम मिला, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने, पूरे बॉलीवुड ने उनको पंचम कह के बुलाया। पंचम ने 331 फिल्मों के म्यूजिक दिए है। क्या म्यूजिक दिए है? अखीर किस्म के म्यूजिक दिए है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की लाइन लगी होती थी पंचम के दफ्तर के बाहर, ऑफिस के बाहर, कि पंचम दा हमारी फिल्म का म्यूज़िक दें, पंचम दा हमारी म्यूज़िक का फिल्म दें। तो पंचम कहता था कि देंगे देंगे देंगे, हर किसी के फिल्म का म्यूज़िक देंगे। पंचम दा ने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, अमित कुमार, कुमार सानू, कविता कृष्णामूर्ति, मन्ना डे, हर एक बड़े बड़े गुलूकार के साथ उन्होंने काम किया, बल्कि उनको काम दिया। उसके बाद इंडिया के बड़े बड़े शायरों के साथ काम किया, जिसमें गुलजार, उसके बाद जावेद अख्तर, उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने काम किया। पंचम ने सबसे पहले अपनी फिल्म का जो म्यूज़िक दिया, उस फिल्म का नाम था भूत बंगला, और उस फिल्म में इन्होंने एक्टिंग भी की। और ये इंडियन कॉमेडी कॉमेडियन थे, बड़े बहुत अखीर बड़े प्यारे एक्टर, मुझे बहुत पसंद है। उनका नाम था महमूद। उन्होंने वो फिल्म प्रोड्यूस की और वो उस फिल्म में आए भी। ये एक सिंगर हैं बहुत मशहूर इंडियन, लकी अली, ये उनके फादर हैं महमूद। सबसे पहली फिल्म का म्यूज़िक उन्होंने दिया, और उसके बाद वो इतना मशहूर हुआ, जिसमें गाना था आओ ट्विस्ट करें, या इसके बाद एक बहुत ही फुल जितना ठेठ क्लासिकल लता मंगेशकर से गवाया था इन्होंने, घर आ जा घेर आए बदरा सवरिया, घर आ जा घेर आए ये वो गाना था। ये इन्होंने गाना गवाया, एक्टिंग भी की, और वो अपने किसी इंटरव्यू में कहते हैं कि
मैंने बड़ी फजूल एक्टिंग की। वाकई वो ठीक कहते हैं कि वो एक्टर बने ही नहीं थे, वो तो म्यूज़िक कंपोज़र बने थे। पड़ोसन, पड़ोसन फिल्म के गाने बहुत बहुत मशहूर थे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। उसके बाद ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, देवानंद, उनके साथ काम किया, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ के में इन्होंने जो है वो अपने अपना फ़न का जो ना लोहा मनवाया। पंचम ने शादी कर ली आशा भोसले से 1980 में, तो उन्होंने मिलके फिर बहुत गाने गाए, बहुत गाने बनाए। एक जगह तो एक इंटरव्यू में आशा भोसले कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में गाना है और खाना है। उसके बाद राजेश खन्ना की एक फ़िल्म अमर प्रेम के लिए बहुत बहुत जो सुपरहिट इन्होंने म्यूज़िक दिया, अमर प्रेम के गाने थे चिंगारी कोई भड़के, वो बड़ा मशहूर हुआ गाना। फिर 1994 में, हाँ जी 1994 में एक विधु विनोद चोपड़ा ने एक फ़िल्म बनाई 1942 अ लव स्टोरी, अनिल कपूर को लेके, उस फिल्म का म्यूज़िक दिया आर डी बर्मन ने। वो फिल्म रिलीज़ हुई आर डी बर्मन के मरने के बाद। वो फिल्म जो है फिल्म फेयर अवार्ड जीती और लता मंगेशकर का उसमें बड़ा प्यारा गाना है। लेकिन बात यहाँ आती है कि उन 331 फिल्मों के जो इन्होंने गाने बनाए, उनमें से बहुत से गाने तो इनके अपने हैं, लेकिन बहुत से गाने इनके कॉपी भी हैं। तो आज आपके सामने इनके कॉपी गाने मैं रखूँगा, देखें कि ये कितने कितने एक दूसरे से मिलते हैं। आप बताइएगा कमेंट पे, कमेंट करके ना बताइएगा कि हाँ कौन सा गाना ज़्यादा मिलता है इनसे। चलो जी सबसे पहला गाना देखें। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर। हे देखता हूँ कोई लड़की हसीन, सोचता हूँ कहीं वो ही तो नहीं। फिर वही रात है फिर sing a song। नहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिल। For the yellow rose of Texas is the only girl I love. Her eyes are even bluer. तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके बताइएगा कि किन किन दोस्तों को पहले नहीं पता था कि हाँ कि ये गाने तो चोरी के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह
दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।